और दक्षिण का किला अगर 8 बार से अजय रहा है तो 9वीं बार भी अजय होगा। और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सोच समझ कर लिया है और पार्टी के निर्णयों पर हम खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसके लिए हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। देश में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां मेरे संपर्क और संबंध नहीं हो, तो इसलिए मेरे लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है जी। निश्चित रूप से पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी के विश्वास पर मैं खड़ा उतर पाऊँ। ये बड़ी जवाबदारी सर, 8 बार लगातार आप जो हैं विधायक रहे, अब रायपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी ने चुना है सर, कितनी बड़ी वजह मानते हैं सुनील सोनी जी का 7 सांसदों के टिकट कटना? देखिए, पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो हम सब एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको सिरोधार्य होता है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सोच समझ कर लिया है और पार्टी के निर्णयों पर हम खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। अजय रहा दक्षिण का किला, अब कोई नया शख्स दक्षिण की? अब ये तो सामने वाले तय करेंगे और दक्षिण का किला अगर 8 बार से अजय रहा है तो 9वीं बार भी अजय होगा। 3 महिलाओं को इस बार मौका दिया गया, रूप कुमारी, कमलेश और तीसरी सरोज पांडे 11 में से। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले ही 33% आने वाले समय पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है और उसको वो नीति लागू होने के पहले ही उन्होंने लागू कर दिया है। ये बीजेपी की कि बीजेपी जो कहती है उसको करती है। बहुत बहुत बधाई। सर, आप लोकसभा के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार थे? पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसके लिए हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं तो क्या तैयारी रहेगी? पहले भी देश में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां मेरे संपर्क और संबंध नहीं हो, तो इसलिए मेरे लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है जी। इस बार जो है कुछ सांसदों को रिपीट भी किया गया, जैसे विजय बघेल को, संतोष पांडे को, लेकिन बाकी जगहों पे चेहरे बदले गए हैं। अब ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति और उनके पास जो जानकारियां होती हैं उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। किस तरीके की तैयारियां शुरू करेंगे, क्या प्लान? अभी तो मैं 12 दिन मातृशोक में हूँ और निश्चित रूप से उसके बाद पूरी तैयारी के साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे ब्रजमोहन अग्रवाल, जिनको एक जो है लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है रायपुर के, और अभी जिस तरीके से उनका कहना है कि पार्टी ने ये मौका दिया है और उस पर हम पूरी तरह से खड़े उतरेंगे जी।